मैं गुमसंग लगांग आप सभी को अरुणाचल प्रदेश में स्वागत करता हूं। और आज हम आए हैं तिराप जिले में जो कि ले तिरोंग आबो के बस गांव है। और आज हम आए हैं सिल्वर जुबली के शुभ अवसर पे जो कि दादम के कैथोलिक चर्च के सिल्वर जुबली के शुभ अवसर पे आज हम यहां पे आए हुए हैं। और मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि 49 बोडुमसा दायुन के विधायक समलू मोसांग आज यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे आए हुए हैं। और साथ ही साथ में जो चकट आबू है जो कि लेट तिरोंग आबू के वाइफ 56 वेस्ट खोंचा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक वो भी आज यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे आए हुए हैं। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा दर्शकों को कि म्याओ से भी बिशप आए हुए हैं और साथ ही साथ में काफ़ी सारे यहाँ पे रिलीजियस लीडर आए हुए हैं और पब्लिक लीडर आए हुए हैं। और दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये तीसरा दौरा है TCL रीजन में हमारे विधायक छमलुम मोसांग के जो कि खास करके चर्च को लेते हुए सबसे पहले लॉन्गडिंग में उसने गया और साथ उसके बाद चंगलांग में खरसंग सर्कल में सिल्वर जुबली के अवसर पे गया। और आज ये पहला दौरा है हमारे तिराप जिले पे। तो इसी के साथ हम और जानने के लिए कोशिश करेंगे कि ये जो सिल्वर जुबली है ये किस प्रकार से मनाया जा रहा है और यहाँ पे किस प्रकार का माहौल है, हम इसे जानने के लिए प्रयास करेंगे। चलिए incredible 25 years of St. Francis Eastern Arunachal amar Eastern Arunachal jitu ase is highly substance abuse moi ki le koy asu kani drugs uthe a lora swali khatam hoy moi yak jiman parents ase apnar lokok itu hobby da loi te kobole ichha ase बाइबल सीरा 30 ते किबा लिखा आसे आप ब्रिगिंग ऑफ चिल्ड्रन तक को आसे जून मा देवता नियर लोरा सवाली के जून तो हमय बुझाबो लागे हितु हमय जदि नेहिकाय नबुझाय गिल्टी करिले करेक्शन नकरे तितिया होले तान होय जुवा पिसत तान जितु समय करिबो लागे इतु नकरिले टाइम पार होवा पिसत हेतु आपुनी बुझाबो नवारे अप्रिशिएट यू दैट आई वांटेड टू कम हियर You had spoken a lot of things, and all our bishop, our honorable MLA, they have also spoken a lot of things, and everything I appreciate. At the same time, one thing that I just want to tell about our honorable Mosang is, you know, I had been there in Miao with the Bishop PK and Bishop Dennis. For almost 3 years, every day, every Sunday, he will be there in the church for mass. समिति के मेंबर हैं, हम उनसे जानने के लिए कोशिश करेंगे कि आज का जो आप लोग का 25 साल कंप्लीट होते हुए सिल्वर जुबली जो मनाया गया है, तो इसका ऊपर आप ब्रीफ कर दीजिए सबसे पहले। ये 25 इयर्स का जो सिल्वर जुबली है हमारा, ये कैथोलिक चर्च का
सेंट फ्रांसिस दादम कैथलिक चर्च का कंप्लीट हो चुका है, तो इसी साल 25 इयर्स मनाए जा रहे हैं, 25 इयर्स कंप्लीशन का। ये 1996 में एक कच्चा सा चर्च उधर अलग सा कॉलोनी में बनाया गया था, तो यहाँ पे आप पक्का चर्च आप यहाँ देख सकते हैं। 2001 से शुरू किया गया यहाँ पे पक्का चर्च बन के, हमें 1996 चर्च बनने के बाद में 25 इयर्स कंप्लीट हो गया, तो उसी साल को उसी 25 इयर्स को हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सिल्वर जुबली में काफ़ी प्रोग्राम्स हुआ है, आप लोगों ने शायद विटनेस किया होगा। हमारे जो जुबली के जो सेलिब्रेंट है वो बिशप लॉर्डशिप रेवरेंड डेनिस जी, ऑक्सिलर बिशप म्याउस है, तो वो आए थे। उसके बाद में जो चीफ गेस्ट थे वो समलुंग मोसंग जी, जो ऑनरेबल एमएलए है 49 बोर्डुमसा डायुन के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो आए हैं। उसके बाद जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो हमारे यहाँ के ही हमारे एमएलए मैडम चाका डबो जी 56 कॉन्स्टिट्यूंसी खोंसा वेस्ट के थे, तो उन्होंने दोनों ने आके इस प्रोग्राम को ग्रेस किया है। तो आज को चलते ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ उन्होंने ग्रेस करने के कारण से, तो वी आर वेरी हैप्पी एंड ऑल्सो वेरी जॉयफुल फॉर सेलिब्रेटिंग दिस 25th ईयर्स। अच्छा, तो मैं दोबारा एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, मतलब इतना ज़्यादा विधायक है हमारे TCL में, मतलब मोर देन 11 है, मतलब 12 ही है, तो उसमें से आप बोर्डुमसा दायुन के एमएलए को ही क्यों मतलब आज मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ पे बुलाया गया? अच्छा, उनको मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाने का कारण ये था कि वो एक बोस्कोनियन है, जो डॉन बोस्को प्रोडक्ट से है, वो डॉन बोस्को में रह चुके हैं, और हमारे जो बिशप है पीके जॉर्ज मियाओ डायसिस के, उनके बहुत करीब है, और हमारे यहाँ के जो कमिटी मेम्बर्स है उनके भी दोस्त है, काफ़ी लोग हैं, तो उनको उसी का कारण, और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया कि पहली बार मुझे यहाँ आने का मौका मिलेगा, और जो लॉर्डशिप है हमारे पीके जॉर्ज उनका स्टूडेंट रह चुका हूँ मैं खुद, तो मैं आना चाहूँगा करके उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, इसीलिए उन्हीं को हमने इन्वाइट किया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।